विज्ञान में समकालीन भारत के अंतर्गत वन एवं वन्य जीव संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग जानते हैं कि वन और वन्य जीव क्या है। वन वह है जहाँ पर पेड़ पौधे जीव जंतु होते हैं, वह वन कहलाता है। और वन्य जीव क्या कहलाता है, जो वन में रहते हैं उन्हें वन्य जीव बोलते हैं। उसके अलावा भी जो जीव जंतु होते हैं वह हमारे संसाधन के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इस ग्रह पर हम सूक्ष्म जीवाणु और बैक्टीरिया चोक से लेकर वटवृक्ष हाथी ब्लूवेल करोड़ों दूसरे जीवधारियों के साथ रहते हैं। जो पूरा आवासीय स्थल है जिस पर हम रहते हैं जैव विविधताओं से भरा हुआ है। मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। हम मात्र एक हिस्सा है जिसमें अस्तित्व के लिए विभिन्न तत्वों पर निर्भर रहते हैं, जैसे कि वायु में हम सांस लेते हैं, जल हम पीते हैं और मृदा में अनाज पैदा करते हैं, और इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। जबकि पौधे, पशु और सूक्ष्म जीव पुनः सृजन करते हैं और पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्वाभाविक है पौधे, पशु और सूक्ष्म जीव जो है पुनः सृजन करते हैं, क्योंकि ये इनका एक चक्र होता है। साइंस में आप लोगों ने देखा होगा पारिस्थितिक तंत्र के अंदर एक चक्र चलता रहता है और जिन पर एक दूसरे सभी जीव निर्भर करते हैं। फिर हम देखेंगे भारत में वनस्पति जात, प्राणी जात। वनस्पति जात, आसपास हम जब नजर दौड़ाते हैं तो हम वहाँ देखते हैं कि कुछ ऐसे प्राणी और पौधे हैं जिसके क्षेत्र में पाए जाते हैं। वास्तव में जैव विविधता संदर्भ में बहुत से ऐसे समृद्ध देशों में से एक है जिसमें कि सारी जैव उपजातियाँ 8% संख्या पाई जाती है और खोजी जाने वाली उपजातियों के 2 या 3 गुना है। आप भारत में पाए जाने वाले वन और वन्य जीव संसाधन से कितने किस्मों के बारे में पढ़ चुके हैं। आपने ये सोचा होगा कि संसाधन आपके दैनिक जीवन में क्या महत्व रखते हैं। विविध वनस्पति जात, प्राणी जात हमारे हर रोज जीवन में इतने गुथे हुए हैं कि हम इसकी कदर नहीं करते, परंतु पर्यावरण के प्रति हमारी संवेदनाओं के कारण पिछले कुछ समय से इन संसाधनों पर भारी दबाव पड़ा है। फिर हम देखेंगे कुछ अनुमान भी ये कह सकते हैं। 10% वन जो है वनस्पति जात और 20% धारियाँ लुप्त होने का खतरा है। इसमें कई प्रजातियाँ हैं जो है कि लुप्त हो चुकी हैं और कई लोग लुप्त होने के कगार पर है। जैसे हम देखेंगे कि चीता, गुलाबी सिर वाली पत्थर, पहाड़ी कोयल, जंगली चित्तीदार उल्लू, मधुका, इग्निस, पुरवर्णी, ये जैसे कई पौधे भी शामिल हैं। कई जिसमें महुआ भी जंगली किस्म का वह भी है। वास्तव में कोई भी नहीं बता सकता है कितनी प्रजातियां लुप्त हो चुकी हैं। आज हमारा ध्यान अधिक बड़े और दिखाई देने वाले प्राणियों जैसे पौधे के लुप्त होने पर अधिक केंद्रित है, परंतु छोटे प्राणी जैसे कीट, पौधे, पक्षी पर महत्वपूर्ण होते हैं। मतलब जो छोटे कीट होते हैं वह भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे चींटियाँ आप लोगों ने देखा होगा वह पौधों के लिए, पेड़ों के लिए संरक्षक होते हैं, क्योंकि ये चींटियाँ जो होती हैं और कीड़े मकोड़े को खा जाती हैं। चिड़िया भी जो होती हैं वह भी कीड़ों को खा लेती हैं। मतलब इस तरह से ये हमारे एक तरह से मित्र होते हैं, लेकिन हम उनके लिए भी खरपतवार मतलब कीटनाशक दवाइयाँ डाल के उन्हें भी हम नष्ट कर देते हैं। इस तरह से हम देखेंगे कि कई प्रकार के पेड़ पर पता लगाने के लिए प्राकृतिक संरक्षण, प्राकृतिक संसाधन और संरक्षण संघ महत्वपूर्ण श्रेणी में विभाजित किया जाता है। जैसे सामान्य जातियाँ, सामान्य जातियों के अंतर्गत हैं जैसे कि पशु साल, चीड़ और कृतंक, ये इत्यादि जो है सामान्य जातियाँ हैं। फिर संकटग्रस्त जातियाँ, इसके अंतर्गत जो है जंगली गधा, गेंडा, शेर, पूछ वाला बंदर, शंघाई इत्यादि, इस प्रकार की ये उदाहरण है। फिर हम देखेंगे सुभेद जातियाँ, ये वे जातियाँ हैं जिनकी संख्या घट रही है और इसकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियाँ बदलती जाती हैं और संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाती हैं। जैसे कि नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी, डॉल्फिन आदि, इस प्रकार की जातियाँ इसके उदाहरण हैं। फिर दुर्लभ जातियाँ, दुर्लभ जातियों के अंतर्गत इसमें संकटग्रस्त जो जातियाँ हैं वे उस श्रेणी में आती हैं जिनकी संख्या की बहुत ही कम हो चुकी है। स्थानिक जातियाँ के तो प्राकृतिक भौगोलिक सीमाओं के अलग अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियाँ होती हैं, जैसे कि निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सुअर, अरुणाचल के मिथुन जातियों के उदाहरण हैं। मतलब ये स्थानिक जातियाँ इसलिए कहा जाता है कि ये अपने परिस्थितियों और क्षेत्र और भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर ये पक्षी और ये जानवर जो है उसी क्षेत्र में पाए जाएंगे, दूसरी जगह इनके सर्वाइव ये नहीं कर पाते। फिर लुप्त जातियाँ, ये वे जातियाँ हैं जिनके रहने आवास और खोज करने के लिए अनुपस्थित पाई गई हैं और स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश और देश में पूरे क्षेत्र पृथ्वी में ये लुप्त होने के कगार पर हैं या लुप्त हो चुकी हैं। यदि आप चारों ओर नजर उड़ाएंगे तो आप पाएंगे कि किस प्रकार के हमने प्राकृतिक संसाधन परिवर्तित कर दिया है। हमने लकड़ी, छाल, पत्ते, रबड़, दवाइयाँ, भोजन, ईंधन, चारा, खाद इत्यादि जो है प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में वनों और वन्य जीव से प्राप्त होता है। इसलिए हम यहाँ पर वन और वन्य जीव को नुकसान पहुँचाया है और भारत में वनों को सबसे बड़ा नुकसान उपनिवेशिक काल में रेल लाइन, कृषि व्यवसाय, वाणिज्यिक वानिकी और खनन क्रियाओं में वृद्धि से हुआ है। मतलब ये सारी चीज़ों में हम विकास करने के चक्कर में हमने वन का भी विनाश किया है और उससे वन्य जीवों को भी बहुत नुकसान हुआ है।
फिर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वन संसाधन सिकुड़ने से कृषि का फैलाव महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि कृषि क्षेत्र में विस्तार करने के लिए, कृषि में विकास करने के लिए हमने जंगलों को नुकसान पहुंचाया। और सर्वेक्षण के अनुसार यहाँ पर 1951-1980 के बीच लगभग 2600 वर्ग किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में कृषि भूमि में परिवर्तित किया गया। इस तरह से भी हम वन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया, जिससे कि वन्य जीवों को भी नुकसान हुआ है। फिर यहाँ पर अधिकतर जनजातियाँ क्षेत्र विशेषकर पूर्वोत्तर में और मध्य भारत में स्थानांतरी या झूम खेती, अथवा स्थानांतरी या झूम खेती क्या है, जब हम खेती करना होता है तो वहाँ की हम जंगल को या झाड़ियों को जला देते हैं, वहाँ पर खेती करते हैं और फिर उसके बाद फिर दूसरी जगह के झाड़ियों को जलाकर, वन को जलाकर वहाँ पर खेती करने लगते हैं। इस तरह से झूम या स्थानांतरी खेती कहलाती है। बड़ी विकास परियोजनाओं ने भी वनों को बहुत नुकसान पहुँचाया है, जिसमें नदी घाटी परियोजना के कारण 500 वर्ग किलोमीटर अधिक वन क्षेत्रों को साफ करना पड़ा और इस प्रक्रिया को जारी कर मध्य प्रदेश में जो है 4 लाख हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र नर्मदा सागर परियोजना के पूर्ण हो जाने से जलमग्न हो जाएगा। वनों की बर्बादी और खनन महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जैसे पश्चिम बंगाल में बक्सर टाइगर रिजर्व डोलोमाइट में खनन के कारण गंभीर खतरे हैं। मतलब इस तरह से क्या है, वन और वन्य जीव दोनों का ही नुकसान होता है। हम विकास तो कर रहे हैं लेकिन साथ ही साथ हम वन और वन्य जीवों को भी बहुत प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से बहुत नुकसान पहुँचा रहे हैं। आने वाले समय में ऐसा होगा कि इन चीज़ों के बारे में जब हम बच्चों को बताएंगे तो चित्र के द्वारा बताना पड़ेगा, हम प्रत्यक्ष रूप से उन्हें दिखा भी नहीं पाएंगे। तो बहुत से वन अधिकारी पर्यावरण यह मानते हैं कि वन संसाधनों की बर्बादी में पशु चारण और ईंधन में लकड़ी कटाई की मुख्य भूमिका इसमें निभाते हैं। इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है कि चारे और ईंधन हेतु लकड़ी की आवश्यकता पूर्ति मुख्यतः पेड़ों की टहनियाँ काटकर की जाती है और पूरे पेड़ को भी काटकर की जाती है, और मूल्यवान खनिजों और अन्य संसाधनों संचय भी कोष में तेजी से विकसित होता है। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि औद्योगिक शहरी अर्थव्यवस्था की मांग की पूर्ति के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, और आरक्षित क्षेत्र भी अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग मायने रखते हैं, जिसमें कि विभिन्न वर्गों के बीच संघर्ष के अनुकूल परिस्थितियाँ भी उत्पन्न हो जाती हैं। फिर भारत में हम देखेंगे कि जैव विविधता को कम करने वाले कारकों को वन्य जीव की आवास का विनाश जो है, जंगली जानवरों को मारना, आखेटन, पर्यावरणीय प्रदूषण और विषिक्तकरण का दावानल और शामिल है। इस तरह से हम अपनी पर्यावरण के रख रखाव की जिम्मेदारी का समानता शामिल है। आमतौर पर विकासशील देशों में पर्यावरण का विकास मुख्य उद्देश्य अत्यधिक जनसंख्या को माना जाता है। फिर नागरिक का औसतन संसाधन उपभोग एक सोमाली नागरिक और औसतन 40 गुना ज़्यादा है। इस प्रकार 5% धनी लोग 25% गरीब लोग की तुलना में अपने संसाधन उपभोग और पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुँचाते हैं। इस तरह से 5% लोग ही पर्यावरण के रखरखाव में कोई जिम्मेदारी नहीं है। प्रश्न यह है कौन या कहां से और कितना उपभोग कर रहा है। फिर वनों और वन्य जीव का विनाश मात्र जीव विज्ञान का विषय ही नहीं है, यह जैव संसाधन विनाश सांस्कृतिक विविधता के विनाश से जुड़ा हुआ है। जैव विनाश जो है कारण मूल जातियाँ और वनों के आधारित समुदाय निर्धन होते जा रहे हैं, और जिसमें समुदाय खाने पीने और संस्कृति इत्यादि वनों और वन्य जीवों पर निर्भर है। गरीब वर्ग में महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक प्रभावित है, क्योंकि खाना, चारा, जल, आवश्यक वस्तुएं इकट्ठा करने मुख्य जिम्मेदारी महिलाओं की होती है और संसाधनों की कमी होना होती जा रही है। कार्यभार बढ़ता जा रहा है और संसाधन इकट्ठा करने में 10 किलोमीटर से भी अधिक पैदल चलना पड़ता है, जिससे गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं झेलनी पड़ती है और बच्चों की अपेक्षा अधिक होती है और सामाजिक दुष्परिणाम हो सकते हैं। इस तरह से वन की कटाई परोक्ष परिणाम से हम सूखा, बाढ़ और गरीब तबके के अधिक प्रभावित करता है। जिस तरह से आप देखते हो कि जहाँ पेड़ नहीं है, वन नहीं है, वहाँ पर सूखा पड़ रहा है, बाढ़ अधिक होने से भी कटाव अधिक हो जाते हैं, इससे भी गरीबी, पर्यावरण निम्नीकरण के इस पर सीधा प्रभाव पड़ता है। फिर वन्य जीवन मानव जीवन के लिए बहुत कल्याणकारी है, अतः यह आवश्यक भी है वन और वन्य जीव संरक्षण के लिए सही नीतियाँ अपनाई जाए। तो भारत में वन और वन्य जीव के संरक्षण के लिए हम क्या कर सकते हैं। वन जीवन और वनों के तेज गति से हो रहे ह्रास के कारण संरक्षण बहुत आवश्यक हो गया है, परंतु हम वन और वन्य जीव का संरक्षण करना आवश्यक है क्यों। अब पारिस्थितिक विविधता बनी रहती है, इससे हमारे जीवन साध्य संसाधन जल, वायु और मृदा बने रहते हैं और विभिन्न जातियों में बेहतर जनन और वनस्पति और पशुओं के जीन्स विविधता में भी संरक्षित करती है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि कृषि अभी भी पारंपरिक फसलों पर निर्भर है, जलीय जैव विविधता मोटे और मछली पालन को रखने के लिए भी निर्भर हो गए हैं। फिर 1960 और 70 के दशकों में दौरान पर्यावरण संरक्षण वन्य जीवन सुरक्षा कार्यक्रम पुरजोर मांग की गई, जिसमें वन्य जीवन रक्षण 1972 में लागू किया गया था, जिसमें वन्य जीवों को आवास संरक्षण के लिए अनेक प्रावधान किए गए और यहां पर बची हुई संकटग्रस्त जातियों को बचाव के लिए शिकार प्रतिबंध किया गया, वन्य जीवों के आवासों के लिए कानूनी रक्षण, जंगली जीव व्यापार पर रोक लगाई गई, जिस
इस पर प्रबल जोर दिया जा रहा है, जिससे कि केंद्रीय सरकार ने कई राज्यों में राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पशु विहार भी स्थापित किए गए, जिससे कि यह समझ में आए। और इसके साथ साथ हम यह भी घोषणा की गई है, केंद्र सरकार ने कई घोषणाएं की है जिसमें कि जिनका उद्देश्य गंभीर खतरे में पड़े कुछ विशेष वन्य प्राणियों के रक्षण प्रदान करना है तथा वन्य प्राणियों के बाघ, एक सिंह वाला गेंडा, काश्मीरी हिरण और इसमें हम बोल तीन प्रकार के मगरमच्छ, स्वच्छ जल मगरमच्छ, लवणीय जल मगरमच्छ और घड़ियाल, एशियाई सीर वन प्राणी, ये सारे शामिल हैं। कुछ समय पहले भारतीय हाथी, काला हिरण, चिंकारा, भारतीय गोंडा वन और हम हिम तेंदुए जैसे आदि शिकार और व्यापारिक समूह आंशिक प्रतिबंध लगाकर कानूनी रक्षण दिया गया। आजकल संरक्षण परियोजना जैव विविधताओं पर भी केंद्रित हो गई है, जिससे विभिन्न घटकों पर संरक्षण विभिन्न तरीकों की गहनता की खोज की जा रही है। नियोजन में कीटों को भी महत्व मिल रहा है। वन्य जीव अधिनियम के अंतर्गत 1980 से 86 के तहत सैकड़ों तितलियों, पतंगों, भृंगों और ड्रैगन फ्लाई को भी संरक्षित जातियों में शामिल किया गया है, जिसमें 1991 में पौधों की भी 6 जातियां पहली बार सूची में रखी गई हैं। वन और वन्य जीव संसाधनों को के प्रकारों का वितरण, हम इनको किस तरह से वितरण कर सकते हैं, इसको हम निम्न वर्गों में बांटा गया है। जैसे आरक्षित वन, आरक्षित वन कौन कौन से कहलाते हैं, इसमें अधिकतम वह वन घोषित किए गए हैं जिसमें कि वनों का सर्वाधिक मूल्य माना जाता है। फिर रक्षित वन कौन से हैं, जिसमें एक तिहाई हिस्सा रक्षित वन है, जिसको वनों को अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। अवर्गीकृत वन, इसमें वह वन है जिसमें कि बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों, समुदाय के स्वामित्व में होते हैं, अवर्गीकृत वन कहे जाते हैं। समुदाय और वन संरक्षण, वन संरक्षण की नीति हमारे देश में कोई नई बात नहीं है। आमतौर पर इस बात के अनजाने कि वन हमारे कुछ मानव प्रजातियों की आवास भी है, मानव कुछ क्षेत्र में स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास स्थलों के संरक्षण में जुटे हुए हैं, क्योंकि इसी से ही दीर्घकाल उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। फिर यहाँ पर खनन कार्य बंद करवाने के लिए भी संघर्षरत है, जिससे कि स्वयं वन जीव के आवासों की रक्षा कर सके और सरकार की ओर से हस्तक्षेप भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इससे भी हम ये नियम है सेंचुरी घोषित कर दी गई, जिससे नियम कानून शिकार वर्जित बाहरी लोग घुसपैठ यहाँ वन्य जीव, हम इस तरह से वन और वन्य जीव दोनों को ही बचा सकते हैं। जैसे हिमालय में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन के कारण वन कटाई को रोकने में कामयाब रहा, उस तरह से स्थानीय पौधों जातियों के प्रयोग में सामुदायिक वनीकरण अभियान भी सफल हो गया है। इसी प्रकार से कृषि के नए तरीकों का विकास और व्यापक हो गया है, जिसमें टेहरी में किसानों के बीज बचाओ आंदोलन नवदाना में दिखा है, उसी तरह से कई प्रयोग भी किए जा रहे हैं। भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम क्षरित वनों के प्रबंधन पुनर्निर्माण समुदाय की भूमिका महत्वपूर्ण उजागर करती है, जिस तरह से कि 1988 में भी हुई और ओडिशा के राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन प्रस्ताव पास किया गया। संयुक्त वन प्रबंधन क्षरित वनों के बचाव के लिए कार्य करता है और गाँव के स्तर पर बचाव कार्य करता है। इसके लिए ग्रामीण और वन विभाग अधिकारी संयुक्त रूप से कार्य करते हैं और इसके बदले में समुदाय मध्य स्तरीय लाभ, गैर इमारती वन उत्पादों के हकदारी होते हैं और संरक्षण की इमारती लकड़ी का लाभ में भी ये सारे भागीदार होते हैं। और संयुक्त वन प्रबंधन के माध्यम से ही लोगों को फायदा भी दिया जा रहा है, जिससे वन और वन्यजीव दोनों को संरक्षण किया जा सके।